स्टूडेंट्स सोहम सर फिजिक्स आराध्य क्लासेस। हाँ आज दोस्त तेरे लिए लेके आया हूँ धांसू चीज़ें। अरे सही में धांसू, देख ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर 5 एग्जाम्पल 5। हाँ एग्जाम्पल 5 क्या है मामला? अरे बढ़िया मामला है, ड्राइंग को इसी में करेंगे। चल ठीक है, क्वेश्चन तो तू पढ़ लिया है, मैं सीधा अपने हिसाब से समझाता हूँ क्वेश्चन, है ना। देख एक्चुअली इस पूरे मामले में दो मैग्नेटिक नीडल है, एक पी और दूसरा क्यू। हाँ पी को एक बार है ना इधर बीच में ला के रख दिया, ये रहा देख इधर, फिर क्यू को 6 अलग अलग पोजीशन पे बार बार रख के अपन ने टेस्ट किए हैं। क्यू नाम का जो नीडल है दूसरा, उसको देख पहले ऐसे रखा Q1 पोजीशन पे, फिर Q2 पोजीशन पे, फिर Q3 पोजीशन पे, फिर Q4, देन Q5 एंड Q6। 6 डिफरेंट पोजीशन क्यू को दिया गया है, बट पी इज इन द मिडल स्टेडी। ओके ठीक है, तो थोड़ा ड्राइंग को इसी में, क्यों अपने पास बोर्ड कम है ना, इधर ही करेंगे। ये हो गया पी नीडल का एरो, एरो शोज द डिफरेंट पोजिशन एंड ओरिएंटेशंस ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। जो एरो है ना मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन दिखाता है। मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होता है भाई? एस टू एन, एस के एन की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो समझ ले इसका एस इधर होगा, एन इधर होगा, तो ये मैग्नेटिक नीडल ऐसा होगा, समझा? अरे ऐसा नहीं होता छोटा बड़ा, हाँ तो तू समझ जाना यार, ले फिर से ड्रॉ करता हूँ, बस रुक। अब तो होता है ऐसा तो, हाँ ये बीच वाला मैग्नेटिक नीडल है पी वाला, ठीक है। फिर जब Q1 पोजीशन पे रखा तो नीडल ऐसा है Q वाला, है ना, ये उसका मैग्नेटिक मोमेंट है M1। मैं पूरा नीडल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ ना, ड्राइंग बहुत गंदा हो जाएगा मेरे से। हाँ ये हो गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट M1, पोजीशन कौन सा ये Q1, ठीक है। फिर जब दूसरी बार रखा तब ये रहा उसका पोजीशन M2, द सिचुएशन इज Q2। ओके फिर थर्ड टाइम यहाँ पे देख, ये रहा Q3 और मोमेंट है M3। ओके नेक्स्ट Q4 ये रहा, ठीक है। फिर Q5 ये रहा, ठीक है। Q6 इधर है, ये सब मोमेंट है रे, जैसे ये M4 है, ये M5 है, दिस रिप्रेजेंट M6, है ना। अब आई थिंक तुझे ड्राइंग क्लियर हुआ होगा। अब हमको टेस्ट क्या करना है, हमको टेस्ट ये करना है कि जो P वाला नीडल है ना वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है बहुत सारा, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये सारी नीडल बार बार आ रही है किसी न किसी एंगल पे। वो एंगल सारे के सारे पता कर पहले, फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो एंगल किसके बीच में होता है? बी और एम के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और मोमेंट के बीच में। मोमेंट तो सारी ड्रॉ की हुई है देख, और फील्ड कहाँ ड्रॉ होता है वो अपना दिमाग लगाना है, तो लगाते हैं। चल देख ये जो बीच वाला नीडल है उसका एन इधर है, एस इधर, ये भी दिया नहीं था क्वेश्चन में, अपन ने डिसाइड किया। हाँ तो पता चला कि एन किधर है, एस किधर है। चल एन में से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा यूं, यहाँ से होता हुआ यूं जाएगा, यहाँ से वापस यूं अंदर एंट्री करेगा। भाई कैमरा में ये दिख रहा है कलर प्रॉपर? थोड़ा इसको डार्क कर रहा हूँ, डार्क करने के चक्कर में डबल लाइन हो रही है। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डबल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है, डार्क कर रहा हूँ बस, तो इतना समझ। ऐसे तो इसमें से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है बे, सारी की सारी ड्रॉ नहीं करना है मैनू, वो ड्राइंग गंदा हो जाता है। हाँ जितना तेरे काम का है वो सीखा रहा हूँ। फिर यहाँ से एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकाल दे यूँ बाहर, और यहाँ से अंदर डाल दे भाई, ठीक है। अब देख सारी पोजीशंस पे तुझे समझ में आ गया होगा, नहीं आया ना तो मैं बैठा हूँ ना इधर। देख यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकला, और ये मोमेंट देख नीचे की तरफ है M4, है ना। तो ये इस नीडल का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर निकल रहा है और वो मोमेंट नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 180 का। यस वेरी गुड। ये 2 के लिए देख इसका मोमेंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड देख नीचे आ रहा है कि नहीं, तो इधर एंगल बनता है 90 डिग्री। अच्छा Q3 के लिए देख मैग्नेटिक फील्ड
यहाँ से जब पास होगा तो वैसे नीचे की तरफ जा रहा है और उसी जगह पे इसका मोमेंट भी डाउनवर्ड है, देख क्यू थ्री वाले का है कि नहीं, तो इन दोनों के लिए एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। फिर वो मैग्नेटिक फील्ड देख यहाँ से होता हुआ यूँ ऊपर जा रहा है और ये जो एम सिक्स नाम का मोमेंट है ना वो मोमेंट भी देख ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ पे भी जो एंगल बन रहा है वो 0 वाला बन रहा है। यस, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख, ये लाइन ऐसे ऊपर से आई हूँ, ये नीचे जा रही है, तो इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो से नीचे की तरफ आ रहा है और ये वाला जो मोमेंट है वो ऊपर की तरफ है कि नहीं, तो 180 डिग्री का केस बन रहा है भाई, ठीक है। फिर इसका मोमेंट देख इधर है और इस जगह से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, इस जगह से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है वो नीचे की तरफ है, तो मामला भाई 90 डिग्री का बन रहा है। ओके दोस्तों, आई होप कि तूने ड्राइंग को अच्छे से समझा है, ड्राइंग में मजा आना चाहिए, फील होता है फिजिक्स, सारे एंगल समझ में आ गए ना, देख हर जगह पे, यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है बाहर और मोमेंट डाउनवर्ड है तो एंगल 180, इस मामले में देख ये मोमेंट और ये फील्ड 90, फिर ये फील्ड और ये मोमेंट 0, फिर ये फील्ड और ये मोमेंट भी ऊपर तो 0, ये मोमेंट ऊपर ये फील्ड नीचे तो 180, ये मोमेंट ऐसे फील्ड ऐसे तो 90 डिग्री है ना, सारे केस समझ में आ गए। अब इन सारे केस का लिस्ट बना दे, चलो पहला सिचुएशन फॉर Q1 configuration, फॉर Q1 थीटा क्या है देख ले, Q1 वाले के लिए थीटा क्या है 90 डिग्री ना, थीटा 1 इज 90 डिग्री। चलो पोटेंशियल एनर्जी ले लो, उसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं -m.b, तो इन दैट वे इट विल बी -m1b1 cos थीटा 1 क्या है भैया 90 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा 0। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी 0 है मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। हाँ हमने पढ़ा हुआ है ना थियरी, क्या 3 टाइप का एंगल देर को होता है, 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, 180 डिग्री पे 0 डिग्री पे स्टेबल होता है, 180 डिग्री पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और 90 डिग्री पे इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है। हाँ हाँ, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो टेक्स्ट बुक में हमने पढ़ी है उसको यहाँ पे यूटिलाइज करना है। चलो तो लिख दो इसका पैटर्न डायलॉग क्या, नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। चल दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस किसके लिए भाई, थीटा 2 के लिए ना, तो Q2 पोजीशन के लिए थीटा क्या है अपना देख ले, 90 है ठीक है बबुआ, तो उस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, -m2b2 cos 90, 0 हाँ, तो ये भी नॉट इन इक्विलिब्रियम। चल भाई दो तो केस हो गए। नेक्स्ट फॉर Q3 पोजीशन में अपना थीटा क्या दिख रहा है देख, 3 वाला कहाँ है बे, ये 1 2 3 ये रहा, यहाँ पे थीटा क्या है 0 डिग्री ना, तो Q3 के लिए थीटा क्या है 0 डिग्री। चलो पोटेंशियल एनर्जी काउंट करते हैं, -m3b3 cos 0, cos 0 मीन्स 1 हो जाता है भैया, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया तेरा नेगेटिव और एंगल क्या है 0 ना, तो 0 एंगल पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो लिख दे अपना धांसू आंसर क्या लिखेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्लियर। चल Q4 वाला, Q4 पोजीशन पे एंगल क्या है, Q4 ये रहा Q4 m4, एंगल है 180 डिग्री। चल U4 -m4b4 cos 180 means -1 -1 plus, तो प्लस हो गया पोटेंशियल एनर्जी, 180 डिग्री वाला मामला है तो इक्विलिब्रियम तो है लेकिन अनस्टेबल टाइप का। हाँ लिख दे अपना आंसर अनस्टेबल,
इक्विलिब्रियम, ठीक है बबुआ। नेक्स्ट Q5 पोजीशन का, Q5 के लिए थीटा 5 क्या बन रहा है अपना, हाँ Q5 कितने, ये रहा 5, 180 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस M5V5 cos 180 हो गया प्लस M5V5। अब ये भी दोस्त क्या हो गया, 180 डिग्री है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। चल नेक्स्ट, Q6 पोजीशन के लिए थीटा का है, Q6 पोजीशन कहाँ है भैया, ये रहा, थीटा का है 0। चल U6 माइनस M6V6 cos 0, cos 0 तो 1 ना, तो आ गया माइनस M6V6। हाँ भैया जीरो वाला मामला है, जीरो वाले मामले पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो लिख दे आंसर स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्लियर। 6 के 6 केस अपन ने प्रॉपरली डिस्कस की, अब इनको अलग तो दिखाना पड़ेगा, हाँ वरना तो इधर का इधर, इधर का उधर हो जाएगा तेरे लिए तो। हाँ हाँ हो गया, ठीक है। अब चल क्वेश्चन पे मेन बात करते हैं, अभी तक तो अपन ने फिगर को समझा था, ड्राइंग समझा और उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया 6 बार, ओके। अब क्वेश्चन क्या बोलता है देख, अब क्वेश्चन बोलता है पहला, इन विच कॉन्फिगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, कौन से कॉन्फिगरेशन में, ये जो 6 अलग अलग टाइप का पोजीशन दिखा है, इनमें से कौन सी सिचुएशन में इक्विलिब्रियम नहीं है, 90 डिग्री पे नहीं होता है। 90 डिग्री वाला कौन कौन सा केस है देखिए, तो ये रहा Q1 और ये रहा Q2 है ना, देख ले आंसर इधर भी वही मैच होगा, नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो पहला जो ए है ना, ए उसका आंसर आ गया, देख ए का आंसर क्या है कि Q1 एंड Q2 पोजीशन आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। दूसरा, इन विच कॉन्फिगरेशन इज द सिस्टम स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल के लिए 0 डिग्री वाला मामला है, 0 डिग्री वाला कौन सा मामला है, तो ये रहा, ये तो 180 है, 180 ये रहा ना, हाँ तो Q3 और Q6 0 डिग्री एंगल पे है तो स्टेबल, तो Q3 एंड Q6 स्टेबल वाला मामला है। फिर अनस्टेबल वाला मामला 180 डिग्री का होता है, ये रहा देख ले और ये रहा, तो Q4 एंड Q5 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर करते हैं, चलो विच कॉन्फिगरेशन करस्पॉन्ड्स टू द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी अमंग ऑल द कॉन्फिगरेशन शॉन, ऑल द मतलब 6 कॉन्फिगरेशन दिखाए हैं, 6 टाइप का डिजाइन दिखाया है अपने को, उसमें से कौन सा डिजाइन है जिसमें लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी है। लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी कब होता है, जब ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, हाँ मतलब 0 डिग्री 0 डिग्री, तो ये रहा आंसर Q3 एंड Q6, लिख दे Q3 एंड Q6 लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा लगा सम, देख तीनों के 3 क्वेश्चन का आंसर बहुत ही छोटी सी जगह में आ गया, लेकिन उसके लिए पहले तुझे ये सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले चल अपना, 1, 2 एंड 3। देख दोस्त तेरे को लगा कि सर ने प्रॉपर मेहनत किया है, पूरा फिजिक्स फील हो रहा है, मतलब एक एक तीर सही तरीके से समझ में आ रहा है, दिख रहा है, तो कमेंट में लिख कि सर मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मत लिख, ठीक है, चल भाई।